वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज का ये वाला जो हमारा सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस तरह से होने वाला है कि जो आज हमारे पास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक मेहमान का तारुफ करवाऊँ। जनाब बेसिकली वो पाकिस्तानी है लेकिन कैनेडियन भी है एट द सेम टाइम, और वहाँ पर पढ़ने के लिए गए, लेकिन डेफिनेटली उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बड़ी ज़बरदस्त है। वो किस तरह से कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए उन्होंने एक आम बनाया है। बेसिकली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है हमाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो हमाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी हम डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन करने वाले। और जनाब सुबह जब मैं आई तो मुझे कहते हैं आपने कलर बहुत दिनों के बाद पहना है, मुझे ना मेरी टीम कहती है। हाँ, और मुझे अब ये जिसका जोड़ा मैंने पहना है मैं उस डिजाइनर से भी आपको जनाब मिलवाने वाली हूँ। हमारे पास मौजूद है अरसलान अली जो कि फरहान के ऑनर है। वेलकम टू द शो अरसलान, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अरे जनाब सबसे पहले तो हवाल मैं आपकी जानिब आऊंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कब से आप पाकिस्तान छोड़ के कनाडा शिफ्ट हुए और वहाँ पर क्या स्टडीज कर रहे हैं इस हवाले से। जरूर, मैं तकरीबन एक साल दो साल का था जब पाकिस्तान छोड़ के कनाडा गया था फैमिली के साथ, वहाँ पे मूव हुए। तो राइट नाउ अभी 20 साल का हूँ और यूनिवर्सिटी में हूँ, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री में हूँ। तो उसके साथ साथ पिछले साल एक कंपनी भी शुरू की है रिलेटेड उससे। तो हमने, हमारा ये प्रोजेक्ट है कि जो एम्प्यूटीज होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते, या तो वो पैदा ही इस तरह होते हैं या किसी एक्सीडेंट में कट जाते हैं, तो हमने उनके लिए एक डिवाइस बनाई है जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए और इस तरह। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगा और इसकी वर्किंग तो डेफिनेटली भी हम डेमो भी देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगा? अभी तकरीबन एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया जब से लॉन्च की थी कंपनी। तो पिछले 12 मंथ्स के लिए जो है हम उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी जो है हमारी पार्टनरशिप्स चल रही हैं हॉस्पिटल्स और एक्चुअल पेशेंट्स के साथ, जिनके साथ हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है आप, और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो अभी इस तरह का वर्किंग इस पे चल रही है। जी जबरदस्त, चले इस हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। अरसलान आपके जानिब आती हूँ, आप चूंकि ब्राइडल को भी डील करते हैं, फॉर्मल वेयर को भी डील करते हैं, कैजुअल भी करते हैं, सेमी फॉर्मल। एग्जैक्टली, तो अभी आपकी कलेक्शन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। अभी जो कलेक्शन आजकल अकॉर्डिंग सीजन, आजकल वेडिंग सीजन है, साथ विंटर्स है, उसके साथ आपके कलर्स ब्लाइंड और दिस एंड दैट, हम लोग उसको मर्ज करके कलेक्शन लेके आए हैं। ये 2019 और 18 के एंड और 19 के स्टार्ट में हमने इसको लॉन्च किया है। इसमें आप देख रही हैं आपके सामने कलेक्शन है, अगर आपको व्यूअर्स को भी दिखाएं। बिल्कुल, ये व्यूअर्स के साथ अभी हम वॉक करके भी अरसलान उस तरफ जाएंगे और कलेक्शन को देखेंगे, लेकिन हम कलर्स और ट्रेंड्स की बात करें 2018 और 19 में, क्या आपको लग रहा है कुछ शिफ्ट आया है? लाइक 18 के एंड में बहुत ज्यादा कर्ट्स और डिसेंट डेट हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब जाके हम बिल्कुल डिसेंट और सिंपल वे के साथ भी हम चल रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कर्ट्स पे नहीं जा रहे, लेकिन हम अपने वर्क को, अपने जो हमारे पास ड्रेसिंग है उसकी परफॉर्मेंस और ये सब चीजें देख, जैसे कि आपने भी पहना है, आप इसको बताएंगे। मैं बिल्कुल दिखाती हूँ जनाब, ये नेट का ड्रेस है एंड इट्स वेरी प्रिटी। मैं आई विश के मैं खड़ी होती अभी, कैमरा मैन अभी फ्रेम सेट करे, लेकिन जब मैं वॉक करूंगी तो ये आपको नजर भी आएगा। और इसके हवाले से डिटेलिंग भी बताएं थोड़ी। हाँ, इसमें होता है कि हम लोग जब डिजाइन कर रहे होते हैं, हम एज अ कस्टमर की कंफर्ट लेवल के बारे में देख रहे होते हैं कि कस्टमर के इसमें कंफर्ट है, एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, नेट बहुत। हाँ, तो इस वजह से जैसे कि हमने इसमें 3D पे काम किया है, इसमें 3D फ्लावर्स हैं, इसमें जो है स्टोन वर्क है और क्रिस्टल्स हमने यूज किए हैं। ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर, और बाकी आपके सामने ही एक कलेक्शन जब हम इसको बना रहे होते हैं और हम कस्टमर के साथ भी डील कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा। अभी पिछले 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं और 1 से 1.5 ईयर हो गया हमें अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा ऐसा, चूंकि हम कलर्स की भी बात करें, कलर्स में भी बहुत शिफ्ट है, पेस्टल्स भी बहुत ज्यादा exactly. कुछ ब्राइट कलर, वाइब्रेंट कलर मेहंदी के फंक्शन पे हमें देखने को मिलते हैं और बारात पे भी, इवन ब्राइड जब रेड की जगह बहुत लाइट टोन बहुत डिफरेंट कर रही है। तो किस तरह की आपकी कलेक्शन में ब्राइडल्स में? बेसिकली डिपेंड करता है कि जब हम कस्टमर से डील करते हैं वो अपनी कुछ करता है और हम फिर उन्हें बताते हैं कि आप पे क्या सूट करेगा। लाइक पिंक और पीच फीमेल्स का एज यूजुअल बहुत फेवरेट कलर है, और फिर हम उसमें डिफरेंट शेड्स लेके आए, जैसे कि पिंक आपने पहना हुआ है, कुछ हमने है करवाए, कुछ गाउन्स में गए, तो पिंक्स के डिफरेंट शेड्स हमने खुद इसके निकाले। लवली लवली। अच्छा हमारे आपकी जानिब में आऊँ, हम इसकी बात करें जो कि अभी अब टेक्नोलॉजी से हमने पहले डिस्कशन की कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली हम जानना चाहेंगे जो आपने बनाया।
لاسٹ ایئر جو ہے سمر میں میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا اور وہاں پہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے تھے, روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کمپیوٹر ویژن, لیکن وہ اس طرح کی اپلیکیشن تھی کہ وہ روبوٹ جو ہے کسی فیکٹری میں جا کے کام کر رہے ہوں گے. تو اس میں اس انوائرمنٹ میں رہ کے مجھے وہاں پہ دل نہیں لگا کہ جو چیزیں بنا رہے ہیں اس پرپز کے لیے بنانی چاہیے جس سے کسی کا بینیفٹ ہو, رائٹ. سو بلڈنگ ہیں وہ اونچی بن رہی ہیں, گاڑیاں ہیں وہ تیز کرتے جا رہے ہیں, فون جو ہیں وہ سلمر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ان چیزوں پہ بھی کام ہونا چاہیے جو کہ کسی کی لائف پہ امپیکٹ ہو, رائٹ, کسی کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا جائے. تو یہ انسپریشن تھی اور اس کو لے کے جو ہے شروع کیا تھا پروجیکٹ. اچھا, کچھ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, یو آر این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, رائٹ, رائٹ. تو اس کے باوجود آپ جب ایک پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہرڈلس تو ڈیفینیٹلی آپ کو فیس کرنی ہوگی, کچھ اس کے ساتھ حوالے سے شیئر کریں گے؟ ضرور. فیلئر جو ہیں وہ کافی ہوتی ہیں اور بہت بڑی بھی ہوتی ہیں. تو ایکچولی جو ہمارا ایک سمر میں کمپٹیشن ہوا تھا, مائکروسافٹ ہوسٹ کرتا ہے امیجن کپ کے نام سے, اس میں 40,000 اسٹوڈنٹس پوری دنیا سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پاکستان سے بھی ٹیم گئی تھی. تو ہم جو ہیں وہ کینیڈا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہاں پہ, 40 ادر ٹیمس تھیں پوری دنیا سے. تو آلموسٹ 20-25 دفعہ ہم اپنی پچ دے چکے تھے ججز کے سامنے, اور جو آخری پچ تھی, ٹاپ لاسٹ کے 3 جو رہ گئے تھے اور ان میں سے ٹاپ ڈیسائڈ ہونا تھا, اس میں جو ہے ہمارا ڈیمو چلا ہی نہیں. ہاں, تو اور وہ ڈیمو جو ہے اسی پہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, رائٹ. تو اس سے ریکور جس طرح کیا تھا اور پریزنٹیشن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور پچ کو فنش کیا, تو وہ ججز کو کافی پسند آئی کہ ہاں فیلئر تو ہوا تھا لیکن اس سے ریکور کس طرح کیا تھا, دیٹس امپورٹنٹ. اور اسی سے پھر آگے سیکھا بھی تھا کہ فیوچر میں اس طرح کی پرابلم نہ ہو. اور آپ نے اچھا خاصا پرائز بھی ون کیا تھا جس کو آپ نے اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کرنے میں بھی اس کو یوٹیلائز. جی, تو اس کمپٹیشن کا پرائز جو تھا, گرینڈ پرائز, واز 130,000 $. تو وہ ون کیا, اور ساتھ مائکروسافٹ کا جو سی ای او ہے ستیہ نڈیلا, اس کے ساتھ بھی ایک مینٹرشپ سیشن اب چل رہی ہے. تو بوتھ لے کے جو ہے اپنی کمپنی کو اسکیل کرنا. یور فیملی مسٹ بی ویری ہیپی, آئی ہوپ سو. جی, لولی. اچھا ارسلان, ہم چلتے ہیں آپ کی کلیکشن دیکھیں. چلیں جناب, ہم ارسلان کی کلیکشن بھی دیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ہمارے آ جائیں آپ ارسلان اس طرف سے آ جائیں, ہم ساتھ ساتھ ہمارے سے بھی ڈسکشن کریں گے اور کلیکشن بھی دیکھیں گے. اگر ہم کلیکشن کے حوالے سے, ارسلان آپ اس طرف آ جائیں. بالکل, یہ اب جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں, میں نے ابھی آپ سے پنک کی بات کر رہا تھا, یہ آپ کا جو ہے پارٹی ویئر بھی آپ اچھی طرح اس کو کیری کر سکتی ہیں اور ویڈنگز میں بھی اس کو ایزیلی کیری کر سکتی ہیں. ابھی ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کچھ شرٹس ایسی ہوتی ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ اپنے شرارے یا کچھ اس طرح کی چیز کیری کر لیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر, آپ کس فنکشن کے لیے اس کو کر سکتی ہیں. لائک میں نے اس کو جو ہے ایک پارٹی ویئر میں رکھا ہے, اب اس کے ساتھ کچھ بھی آپ اس میں دوپٹہ ایڈ کر سکتی ہیں, ٹراؤزر آپ چینج کر سکتی ہیں. تو اوور آل یہ چینج کرتا رہتا ہے اپنے موڈ کے مطابق اور ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کا موڈ کیسا ہے نا. اچھا, یہ والا جوڑا بھی ہم دیکھیں گے. اب جیسے کہ اب میں اس کی اس سوٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کے ویڈنگس میں آتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں اس کے ساتھ آپ لہنگا یا شرارہ کر کے پورے برائڈل ویئر پہ ولیمے میں آپ اس کو کر سکتی ہیں. تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. کلر از ویری برائٹ, یہ آپ ویسے ولیمہ برات دونوں پہ کیری کر, ہاں دونوں پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب اس پہ ہمارے پاس جو ہے فیروزی کی کلیکشن آتی ہے, ہم پنک پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھ رہی ہوں گی کہ زیادہ ہمارے پاس جو کلیکشن ہے وہ پنک کی ہے اور ساتھ میں ہم فیروزی پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. زبردست زبردست, جناب یہ دیکھ لیں آپ, یہ بھی نیٹ پہ ہوا ہوا ہے. Exactly. اچھا کام کس طرح کا ہے ارسلان؟ بہت زیادہ کام آپ کو بتاؤ گا, اڈا ورک میں لوگ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہتے, تو اس میں ہم نے مشین امبرائڈری کو ایڈ کیا اور مشین کے ساتھ کچھ جو ہے اڈا ورک ہم نے ایڈ کیا, لائک جس ٹو لائٹ ویٹ. بٹ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مشین ورک بھی ہوا ہوا ہے اور اس پہ اڈا ورک بھی ہے, لیکن آپ اس کو پہن کے بہت کمفرٹیبل ہیں. یہ ہماری جو کلیکشن ہے یہ ہے 16-40 ایج میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا کلرز ویسے ونٹرز کے یہ سارے کلرز ہیں, لیکن یہ کچھ یہ والا بھی ڈریس یہ کیا ہے؟ جب آپ ونٹرز میں بات کرتی ہیں تو لائک یہ اگین یہی گاؤن ہے اور اس کا انر اور دین ٹراؤزر, اور یہ بہت ٹراؤزر بھی اس پہ ہم پرومیننٹلی کرتے ہیں, اس کے ٹراؤزر کٹس بہت مزے کے ہیں. لائک یہ بھی ہمارا, ہاں اس کو پرومیننٹ نہیں ہے, نہیں پرابلم ہو جائے گا. لولی لولی. اچھا برائڈلز کے حوالے سے مجھے بتائیں کس طرح کے کلر زیادہ برائڈز پسند کر رہی ہیں آج کل؟ لائک آج کل جو ہے ریڈ کے ساتھ کنٹراسٹ, کیونکہ موسٹ آف دی برائڈز کو یہ ہوتا ہے کہ ریڈ سے کچھ ہٹ کے کام کیا جائے, لائک ابھی شاکنگ بھی کچھ ایڈ کر رہے ہیں, کچھ پیچ پہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ چینج آ گیا مارکیٹ میں بھی, ٹرینڈ میں بھی کافی چینج آ گیا.
जबरदस्त चैलेंज ही, और हमारे से भी हम जरा हमारे आपके इस प्रोजेक्ट का हम डेमो भी डेफिनेटली देखना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमें डेमो भी दिखाइएगा। ठीक है जी, किस तरह से वर्किंग होगी इसकी? श्योर, तो ये जो टेबल पे है आप अगर देखें तो ये चाबियां पड़ी हुई है, राइट? तो ये हमारा पहला प्रोटोटाइप अभी चल रहा है। हमारे थोड़ा सा आपको अपना एंगल कैमरे की तरफ करना होगा। राइट, सो ये हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप अभी है। सही है। तो इसमें अगर आप ये बीच में देखेंगे एक कैमरा है, राइट? दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा। तो आपने जो चीज को पकड़ना है उसकी तरफ कैमरा पॉइंट करें और जो कंप्यूटर है ऑन बोर्ड वो कैलकुलेट कर लेता है कि किस ग्रिप से उसको पकड़ना है। तो ये सब जो है क्लाउड में होता है। एंड देन वंस यू आर रेडी यू मूव द कैमरा, यू मूव द हैंड इन प्लेस, एंड देन वंस यू आर रेडी वो उसने कोशिश की है, लेट्स ट्राई अगेन, ये पकड़ ले, राइट? एंड देन सो राइट, और ये आप इसको किसी एप्पल उसके साथ कर सकते हैं या किसी भी चीज के साथ। सो दिस इज अ स्टैंड अलोन डिवाइस, आपको और कोई भी चीज नहीं चाहिए होती है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो अभी हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टेस्टिंग इट, लेकिन इवेंचुअली गोल ये है कि कोई भी उठा के उसको पहन सके और उसके साथ कर सके। जबरदस्त, तो भाई इसको फर्दर, क्योंकि आपकी कंपनी भी आप चला रहे हो, क्या प्लान है फर्दर इसको किस तरह से लेके चलने और इस पे मजीद वर्किंग भी कर रहे हैं? तो हमारा गोल ये था शुरू से कि हम उनकी हेल्प करें जिनको सबसे ज़्यादा चाहिए, राइट? अभी भी मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो 100-200,000 तक है, राइट? जो कि इट्स नॉट अफोर्डेबल। तो ये जो है हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फॉर रफली $100, राइट? तो उसमें यह है कि जिन लोगों ने काम करना होता है, लेबर करनी होती है, खेतों में जो काम करते हैं, यू नो, उनकी लाइवलीहुड जो है डिपेंड करती है कि उनके पास हाथ हों जिनसे वो मजदूरी कर सकें। तो हमारा गोल ये है कि हम उनके साथ काम करें और उनकी हेल्प करें ताकि वो अपनी फैमिली क्लियर कर सकें और अपनी लाइवलीहुड बना सकें। लवली, और ये आप पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उसी लिए डेफिनेटली करें। जी दैट्स नाइस। अच्छा अरसनान, आप कुछ? अगर आप क्लास की बात करें, इसी तरह मैं इनके साथ हूँ कि हम बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपने ड्रेसेस में बात करूँ, जैसे कि आप देखती हैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर वेयर्स होते हैं और आप पहनना चाहती हैं, लेकिन बट एग्जैक्टली बट अगर आप मेरे इसमें कलेक्शन में देखें और आप इसको जब आपका फर्स्ट इम्पैक्ट होता है तो आपको ये लगता है इट्स वेरी कॉस्टली और दिस एंड दैट, बट अगर आप मुझे विजिट करें तो ऐसा नहीं है। ये अकॉर्डिंग आपकी जो भी हमारा बजट होता है हम अकॉर्डिंग कस्टमर के अंडर उसका दे सकते हैं। स्टूडियो कहाँ पर है जहाँ पे आपको लोग विजिट कर सकते हैं? मेरा स्टूडियो जो है मॉल्डन लिंक रोड पे है, फिराहन के नाम से है, और साथ में एक स्मॉल एक जो है हम वहाँ पे एक अपना एक रन कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स को हम वहाँ पे डील कर रहे हैं, लाइक हम अपना ही जो फैशन आर्ट जैसे इन्होंने बात की वल्नरेबिलिटीज की, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम स्केचिंग वगैरह सिखाते हैं, कुछ ब्लाइंड होते हैं और सब चीजें हैं, इस तरह से हम उनको डील भी कर रहे हैं। लवली लवली, ये तो बड़ा एक जबरदस्त सा काम है जनाब, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो और इसके लिए कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो जाता है, exactly. बेहतरीन हो जाता तो है। उसमें ये हो जाता है कि हमारे पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स एबनॉर्मलिटीज हैं, लेकिन हम उनको वर्किंग में लेके आना चाहते हैं कि वो भी आम इंसान की तरह अर्निंग कर सके और आगे काम करें। लवली, कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से आप देखने वालों को देना चाहो? जरूर, एक मैसेज सिर्फ यही होगा कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है करने, मतलब स्कूल तो लोग जाते हैं, स्कूल काफ़ी लोग चले जाते हैं, लेकिन स्कूल से हट के जो आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उनमें प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करना चाहिए क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपने लाइफ में फोकस किस चीज़ पर करना है, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और कहाँ पर आपको अपनी यू नो यू फाइंड योर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत जबरदस्त टैलेंट है आपका और आप इसको बहुत अच्छे पर्पस के लिए यूटिलाइज करें, मच अप्रिशिएटेड। और इसके साथ साथ आप कोई मैसेज और सलाम देना चाहें हमारे देखने वालों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की आप फैशन और दूसरी चीज़ों पर भी आप फोकस करते हैं, लाइक अगर हम लोग थोड़े से कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ गेन करना चाहें कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए, जरूर हम अपने लिए तो करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए भी करना चाहिए। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमारे साथ दिया जनाब, और आज हमने आपकी मुलाकात डेफिनेटली सेगमेंट बहुत जबरदस्त लोगों से करवाई है, अपनी अपनी फील्ड में दोनों एक्सपर्ट है जनाब। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आज हम आपको कुछ अपने सूबे से नहीं दूसरे सूबे से आए हुए लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी सकाफत आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।